जय छठी मैया। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो खरना पर आधारित है। खरना क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और महापर्व में इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, नहाए खाए से महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 18 नवंबर 2023 को खरना है। खरना के दिन व्रती सुबह से व्रत में रहते हैं। इस दौरान वो घर की सफाई, चूल्हा बनाना, चावल चुनना, गेहूँ चुनना, धोना, सुखाना, व्रत से रिलेटेड सारे काम करते हैं। उसके बाद लगभग 3 बजे संध्या में जाते हैं नहाने के लिए। अगर आपके पास तालाब, नदी, नहर की सुविधा है, कुएं की सुविधा है तो आप वहीं पर स्नान करें, और इन सब चीज़ों की सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में नहा लें। लगभग 3 बजे तक आप नहा लें। उसके बाद नहाने के बाद कोरा कपड़ा पहन के जोड़ा सिंदूर लगा करके एक लोटा सूर्य को अर्घ जरूर दें, दिया जाता है। और उसके बाद घर में आने के बाद जो हमारा खरना का प्रसाद होता है उसे बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए नए चूल्हा का प्रयोग किया जाता है, गुड़, नया चावल, दूध, गाय का दूध ना हो तो भैंस का भी दूध, मतलब खीर बनाया जाता है। उसके बाद रोटी बनाई जाती है जो कि तवे पे ना लगा करके घी, रोटी बनाने के बाद उसमें घी लगाया जाता है। ये होता है प्रसाद। प्रसाद बनाने के बाद आपको जहाँ पर आप प्रसाद बनाते हैं वहाँ पर भगवान को आस्था से टीका जाता है, 5 टीका लगा करके फूल, बत्ती, धूप सब कुछ अर्पण किया जाता है, जैसे कि आप पूजा करते हैं। उसके बाद जो भी आपने बनाया है अपने खाने के लिए अग्रासन निकाला जाता है। अग्रासन मतलब खाने से पहले उन चीज़ों को निकाल देना। उसके बाद आप पहले जो व्रती होते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये सारे प्रसाद सभी में बांट दिया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी, ऊख का चाप मतलब जिस गन्ना का जूस निकालते हैं, गन्ना का जूस निकालने के बाद जो उसका छिलका बच जाता है उसे हम ऊख का चाप बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। वो भी शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध रूप से ही भोजन, बहुत ही नेत धर्म से खरना का प्रसाद बनाया जाता है, क्योंकि जो खरना का महत्व है वो बहुत ज़्यादा महत्व है। अर्घ से भी ज़्यादा खरना का महत्व होता है और खरना के प्रसाद का भी बहुत महत्व होता है। हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, खरना मतलब खर भी नहीं होना चाहिए, है ना। खर का मतलब तिनका, मतलब इतना पवित्र ढंग से इसको बनाया जाता है, सब कुछ साफ तरीके से चुन करके, मन पवित्र करके, जगह पवित्र करके, हर चीज़ प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी ये पूजा तो प्राकृतिक का ही होता है, सूर्य देवता साक्षात सूर्य हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, वैसे देवता की पूजा की जाती है। तो हमें बहुत ही संभल करके, डर करके और बहुत ही नेत धर्म से ये प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद का तो इतना महत्व है कि लोग इसे मांग करके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और छठ पूजा का कोई भी प्रसाद हो मांग के खाने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो खरना का प्रसाद अगर आपके कंठ में चला गया तो सोचिए कि आपका मन, तन सब कुछ पवित्र हो गया। तो कोशिश कीजिए कहीं भी खरना का प्रसाद मिले आप उसको ग्रहण जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से खरना के दिन हम एक बार ही भोजन कर सकते हैं सिर्फ खरना करने के टाइम में। उसके बाद रात में जब तक चांद उगा है तब तक आप एक बार पानी पी सकते हैं, चांद को लुप्त होने के बाद आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो घर के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चांद को लुप्त होने के पहले व्रती को एक बार पानी पीने के लिए याद जरूर दिला दिया जाए, क्योंकि उन्हें पूरे 24 घंटे तक पानी तक मुँह में नहीं डालना होता है। तो इस तरह से फ्रेंड, महापर्व का जो खरना है वो पूरा होता है और साथ ही साथ हम अगले दिन अर्घ की तैयारी भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। महापर्व की आप सबको ढेरों शुभकामनाएँ।